अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आफरीन शाह आप गैलरी में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। आज मैं आप सबके साथ चटपटी चिकन मसाला बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। चलिए इसकी शुरुआत कर लेते हैं। चिकन मसाला बिरयानी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे 1 किलो 250 ग्राम चिकन लिया है। इसे मैंने पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। मैंने इसमें फूड कलर यानी कि खाने वाला रंग भी ऐड किया है। खाने वाला रंग ऐड करने से इसकी जो रंगत है वो बहुत खिली खिली आती है, इसलिए मैंने ऐड किया है। आप चाहे तो फूड कलर ऐड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आप किसी भी बाउल में साफ पानी में चिकन को फूड कलर में ऐड करके थोड़ी देर डाल के निकाल लीजिएगा। चिकन मसाला बिरयानी बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए इनके बारे में जान लेते हैं। पिसे मसालों में मैंने यहाँ पे 2.5 टेबल स्पून नमक लिया है, 3 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, 4 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, 1.5 टेबल स्पून गरम मसाला लिया है, जीरे पाउडर की जगह मैंने जीरे को रोस्ट करके उसका 1 टेबल स्पून पाउडर लिया है, शाही बिरयानी मसाला 1 टेबल स्पून लिया है। आप चाहें तो नॉर्मल बिरयानी मसाला ले सकते हैं। चिकन मसाला बिरयानी बनाने के लिए जो हमें खड़े मसाले चाहिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। मैंने यहाँ 2 तेज पात लिए हैं, 4 चक्री फूल लिए हैं, साथ में 4 छोटी इलायची ली हैं, 20 काली मिर्च ली हैं। आप 20 से कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे 4 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, साइज़ में थोड़े मोटे टुकड़े लिए हैं, देखिए। जावित्री को मैंने कूट के 1 टेबल स्पून लिया है, खड़ा जीरा मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है, लौंग मैंने यहाँ पे 20 ली हुई है, ये देखिए। ये हमारे खड़े और पिसे मसालों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। व्यूअर्स, हमने अदरक लहसुन का पेस्ट सेम क्वांटिटी में यानी अदरक का पेस्ट 4 टेबल स्पून और लहसुन का पेस्ट 4 टेबल स्पून लिया है। 200 ग्राम हमने सेपरेटा दही यूज़ किया है। 6 मीडियम साइज की प्याज को हमने गोल्डन फ्राई करके चॉप्ड करके लिया है। धनिया पत्ती हमने 1 बॉल चॉप्ड करके रख ली है, देखिए। यहाँ पे हम चिकन मसाला बिरयानी बनाने की तैयारी करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने जो खड़े मसाले लिए थे वो एक बड़े भगोने में डाल रही हूँ, ये देखिए। सारे खड़े मसाले मैंने डाल दिए हैं। इसके बाद जो पिसे मसाले मैंने आपको बताए थे वो मैं डाल रही हूँ सारे, ये देखिए। अदरक लहसुन का पेस्ट में से मैंने अदरक के पेस्ट को डाल दिया है। ये जो बचा हुआ पेस्ट हमारा बोल में लगा हुआ है, इसे पानी डाल के बाद में इसमें ऐड कर लूँगी। और अब मैं लहसुन का पेस्ट डालने जा रही हूँ, ये देखिए। हमने सारे मसाले इसमें डाल दिए। देखिए व्यूअर्स, जो खड़े और पिसे मसाले मैंने भगोने में लिए थे इसमें मैंने चिकन ऐड किया है। चिकन को ऐड करने के बाद हमें हाथ से चिकन और मसाले को आपस में तब तक मिलाते रहना है जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए। इसके लिए मैंने चिकन में पहले से कट्स भी लगा लिए थे। अगर आप चाहें तो आप भी कट्स लगा सकते हैं। चिकन में कट्स लगा देने से फ़ायदा ये होगा कि जब आप मसालों को चिकन में मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएंगे यानी एडजस्ट हो जाएंगे। इसके बाद मैंने जो 200 ग्राम सेपरेटा दही लिया था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, वो भी मैं इसे मिला रही हूँ आपस में। हम इसे तब तक चलाएंगे जब तक दही, मसाले और चिकन आपस में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। इसके बाद जो मैंने गोल्डन ब्राउन 1 बोल में प्याज ली हुई थी वो हम ऐड करेंगे, देखिए। ये प्याज अब मैं अपने चिकन में ऐड करने जा रही हूँ, ये देखिए। प्याज को ऐड कर दिया है मैंने और इसे रफली चलाया है क्योंकि सारे मसाले ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। क्योंकि ये जो बिरयानी है वो चिकन मसाला मैरिनेटेड बिरयानी है, तो इसके लिए इसकी तलावट के लिए, चिकन की तलावट के लिए हमें घी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे छोटे बाउल में 4 टेबल स्पून घी ये निकाल लिया है और अब हम इसे इसमें ऐड करेंगे। देखिए व्यूअर्स, जो हमने देसी घी 4 टेबल स्पून लिया था वो मैंने यहाँ पे चिकन में ऐड कर दिया है। इसे ऐड करने के बाद सेम बोल में मैंने 2 टेबल स्पून मलाई ली है। इस मलाई को भी हम चिकन में ऐड करेंगे। मलाई की जो क्वांटिटी हमें रखनी है वो घी की क्वांटिटी की आधी रखनी है। मैंने यहाँ पे घी 4 टेबल स्पून लिया था इसलिए मलाई मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून ली है। इसके बाद जो धनिया पत्ती मैंने बोल में चॉप्ड करके रखी हुई थी वो मैं इसमें ऐड करूँगी। धनिया पत्ती देखिए मैं ऐड कर रही हूँ। धनिया पत्ती ऐड कर देने के बाद मैं इसमें आधा नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो आधा नींबू का रस से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, देखिए। ये नींबू का रस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। जितने मैंने खड़े मसाले, पिसे मसाले आपको बताए हैं और ये जो नींबू की रस की क्वांटिटी है, ये आप जितना चिकन लेंगे उस हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं और जितना आपका चिकन होगा उसी हिसाब से आप चावल को भी घटा बढ़ा सकते हैं जो आप ऐड करेंगे बिरयानी के लिए। सारे मसाले मिला चुके हैं, अब हम चिकन को 3 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रखने जा रहे हैं। व्यूअर्स, चिकन मैरिनेट होने में केवल 20 मिनट बचे हैं, तो मैंने यहाँ पे हाई फ्लेम में 4 लीटर पानी चढ़ाया जिसमें मैंने 8 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है। व्यूअर्स, बिरयानी का चावल तैयार करने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 तेज पात लिए हैं,
3 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1.5 टेबल स्पून खड़ा जीरा, 5 लौंग, 2 दालचीनी की लकड़ियाँ, 3 चक्री फूल और 5 हरी मिर्च ली हैं जिनको मैंने बीच से कट करके रखा हुआ है। नींबू का रस मैंने ऑप्शनल लिया है। खुशबू के लिए गुलाब जल और केवड़ा लिया है। चिकन मैरिनेट हो चुका है। यहाँ हमारा पानी बॉईल हो रहा है तेज़ आंच पे, तब तक हम चिकन की अखनी बनाने की तैयारी करने जा रहे हैं। अखनी बनाने के लिए मैंने एक अलग भगोने में 100 ग्राम कुकिंग ऑयल मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रखा हुआ है। कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम चिकन ऐड कर रहे हैं। देखिए, चिकन कुकिंग ऑयल में ऐड करने के बाद हमें इसे चलाते रहना है ताकि इसका जो मसाला है वो लग ना जाए। इसको चलाते वक्त हमें गैस की जो फ्लेम है वो मीडियम पे ही रखनी है, ना ही लो फ्लेम करना है ना हाई फ्लेम करना है। इसे तकरीबन मीडियम फ्लेम पे हम 4 मिनट तक चलाएंगे ताकि जो मसाला है वो पक जाए। व्यूअर्स, यखनी को 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे चलाने के बाद मैंने उसकी फ्लेम को 1 मिनट के लिए लो कर दिया है और मसाले उसमें लो फ्लेम पे पक रहे हैं। तब तक मैं पानी चेक कर ले रही हूँ जो मैंने बॉयल होने के लिए रखा हुआ था भगोने में। देखिए, इसमें भाप बनने लगी है, तो जो मैंने इंग्रेडिएंट्स आपको बताए थे बिरयानी के लिए वो सारे अब मैं इसमें डाल रही हूँ। केवल नींबू ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि नींबू मैंने ऑप्शनल लिया था। अब ये सारे मसाले ऐड कर देने के बाद हमें इसे तब तक पकाना है जब तक पानी अच्छे से बॉयल ना हो जाए। गैस की फ्लेम हमें हाई रखनी है। देखिए, अब मैं इस पर ढक्कन लगा के इसे बॉयलिंग के लिए रख रही हूँ। गैस की फ्लेम हमें हाई से लो या मीडियम नहीं करनी है। चिकन और मसाले आपस में अच्छे से पक चुके हैं। थोड़ा सा चला के मैं इसमें 2.5 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। मैं सेम भगोने से पानी ऐड कर रही हूँ जिसमें मैंने चिकन मैरिनेट किया था, ताकि उसमें जो मिक्सचर लगा रह गया था वो भी इन मसालों में अच्छे से ऐड हो जाए। ये देखिए, चिकन में पानी ऐड कर देने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। चिकन को हमें नरम होने तक पकाना है, तो इसके लिए गैस की फ्लेम को मैंने हाई कर रखा है। हाई फ्लेम पे ही हम इसे नरम होने तक पकाएंगे। जब तक हमारा चिकन पक रहा है, मैंने जो पानी बॉयल पे रखा था उसका जायजा ले लेते हैं। मैं चिकन को यहाँ ढक्कन से ढक के हाई फ्लेम पे पकाने के लिए रख रही हूँ। बिरयानी का चावल पकाने के लिए जो पानी हमने बॉयल पे रखा था उसमें उबाल आ चुका है। अब मैंने यहाँ पे 1 किलो बासमती अरवा राइस ले लिया जिसे मैं धोने जा रही हूँ। चावल मैंने धो लिया है, अब हम इसे पानी में ऐड कर रहे हैं। ये देखिए, चावल को पानी में ऐड कर देने के बाद हाई फ्लेम पे हमें इसे केवल 70% ही पकाना है। बासमती अरवा राइस को 70-75% ही पकाना होता है। मैं इसे यहाँ पे 70% पकाऊंगी। चावल को मैंने पानी में ऐड कर दिया, इसे चला भी लिया। अब इसे ढक्कन से ढक करके 70% तक पकने के लिए हाई फ्लेम पे मैंने रख दिया है। देखिए, ये देखिए व्यूअर्स, चिकन नरम हो चुका है, अखनी भी हमारी प्रॉपर पक चुकी है। अखनी हमने हाई फ्लेम पे रखी थी इसलिए मैंने एक दो बार इसे चेक कर लिया था कि इसका मसाला ना लगे। अखनी की जो थिकनेस है हमें इतनी ही चाहिए, इससे ज़्यादा हम इसे गाढ़ा नहीं करेंगे। अब मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और चावल जो हमने उबाल पे रखे उसके पकने का इंतज़ार करते हैं। चावल हमारा रेडी हो चुका है, इसका पानी हम यहाँ पे छान रहे हैं। पानी छान लेने के बाद देखिए व्यूअर्स, ये कुछ इस तरह से खिला खिला सा दिख रहा है। चावल को मैंने यहाँ पे एक सूती दुपट्टे पे फैला लिया है ताकि ये 70% से ज़्यादा ना गले। अब हम बिरयानी की परत लगाने की तैयारी कर लेते हैं। बिरयानी की परत लगाने के लिए मैंने यहाँ पे केवल अखनी की तरी ली है, 3 टेबल स्पून देसी घी लिया है। इसे हम अच्छे से फैला देंगे जिससे चावल चिपके नहीं, और परत हमेशा चौड़े बर्तन में ही लगानी चाहिए। चावल की पहली परत लगाने के लिए जो अखनी और देसी घी मैंने डाला था उस पर चावल को अच्छे से मैंने फैला लिया है। अब इस पर हम अपने चिकन पीसेस और अखनी को डालेंगे। इसी तरीके से जब हम अपनी चावल की दूसरी परत लगाएंगे तो चावल बिछा के फिर से चिकन पीसेस और अखनी डालेंगे। तीसरी परत भी इसी तरह होगी। बस हमें ये ध्यान रखना है कि शुरुआत और आखिर में सिर्फ चावल की परत हो, अखनी और पीसेस बीच में ही रहें। तीसरी परत भी मैंने यहाँ तैयार कर ली है। चौथी परत के लिए चावलों के ऊपर फिर से पीसेस में फैला लूंगी, उन्हें फिर से चावल से कवर करना है। चिकन पीसेस वाली परत को मैंने चावल की आखिरी परत लगा के रख लिया है। अब इसमें कलर ऐड करने के लिए मैं आधा कप पका हुआ ठंडा दूध लूंगी, जिसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून से भी कम कलर मिला लिया था। कलर ऐड कर दिया, इसी कप से मैंने आधा कप दूध बिरयानी में डाला है। अब हम बिरयानी को हाई फ्लेम पर भाप आने तक ढक्कन रख के पकाएंगे। भगोने का ढक्कन मैंने हटा दिया है। देखिए, अब बिरयानी में से भाप उठ रही है, यानी हमारी बिरयानी लगभग तैयार है। तो हाई फ्लेम पे ही मैंने इसमें जो कलर डाला है इसे मैं मिला रही हूँ। कलर मिलाने के लिए मैं चावल को पूरे भगोने में अच्छे से फैला लूँगी और चावल चलाते भी रहूँगी ताकि ये लगे नहीं नीचे से, और कलर भी बिरयानी में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। व्यूअर्स, बिरयानी तैयार हो चुकी है। गैस की फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। 1 ढक्कन मैंने इसमें गुलाब जल ऐड किया है, साथ में 1 ढक्कन मैं इसमें केवड़ा जल खुशबू के लिए ऐड कर रही हूँ। अब बिरयानी को मैं आपको डिश में निकाल के दिखाती हूँ।
देखिए व्यूअर्स, बिरयानी को मैंने डिश में निकाल लिया, इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और चावल भी बहुत खिला खिला है। इसका जो जायका होता है वो भी खाने में बहुत अच्छा होता है। बिरयानी को गार्निश करने के लिए मैंने गोल्डन ब्राउन करके प्याज रखी हुई थी, उससे मैं बिरयानी गार्निश करूँगी। मैं आपको गार्निश करके दिखाती हूँ। ये देखिए, आप चाहें तो आप भी प्याज से गार्निश कर सकते हैं, वरना इसे स्किप कर सकते हैं, ये पूरी तरह ऑप्शनल है। देखिए व्यूअर्स, हमारी बिरयानी का लुक, मैंने इसे प्याज से अच्छे से गार्निश कर लिया है। अब मैं इसे प्लेट में रायते के साथ रख के सर्व करने जा रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे रायते के साथ सैलेड भी ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट में बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।